मुझे सबसे पहले और सबसे ज़्यादा खुशी इसलिए कि ये जो मदर एंड चाइल्ड, ये जो हॉस्पिटल की आज हमने स्टोन लेइंग की है, ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैं जब 23 साल पहले मियांवाली में पॉलिटिक्स शुरू की, सारे इलाके में फिरा, तो मुझे एहसास हुआ कि जो सबसे ज्यादा मुश्किल लोगों को सबसे ज्यादा मुश्किल होती है जब वो बीमार हो और तकलीफ हो या अस्पताल में इलाज ना हो सके, और फिर डॉक्टर ना हो तो यहां से मरीजों को पिंडी और लाहौर ले जाना पड़े। तो मुझे अभी भी याद है कि खास तौर पे माँ बाप को तकलीफ होती थी बच्चों के लिए, कोई अस्पताल नहीं था, डॉक्टर्स नहीं थे। तो ये जो आज काम शुरू किया है, ये जो हमने स्टोन लेइंग की है इसकी, इंशाल्लाह ये शुरुआत है मियांवाली के लोगों के लिए। जो हमने अस्पताल बना रहे हैं और आपकी सेहत का ध्यान रखना है, ये भी शुरुआत है। सबसे पहले मैंने दो काम करने हैं आपके लिए, एक आपकी सेहत के लिए अस्पताल, और वो जो मुझे कभी नहीं भूलता कि जब भी मैं ऊपर खटक बेल्ट पे जाता था तो पानी का कितना बड़ा मसला था उनके लिए। हमने बड़ा पैसा रखा है आपके लिए, वाटर सप्लाई स्कीमें, जो सारे ऊपर महाड़ का इलाका भी, लेकिन खास तौर पे जो खटक इलाका था, बड़े मुश्किल, मुझे अभी भी याद है, मुश्किल में लोग गुजरते थे, पानी नहीं मिलता था वहाँ। तो इंशाल्लाह वो मेरा आपसे वादा है कि सबसे पहले सेहत, पानी, और उसके बाद हमारे बच्चों के लिए तालीम। अपनी मैंने एक तौर पे कोशिश की नमल यूनिवर्सिटी की। मैं आपको बता दूं नमल यूनिवर्सिटी क्यों शुरू कैसे हुई। शुरू ऐसे हुई कि मैं जब मियांवाली में फिरता था तो नौजवान सारे नौकरियां चाहते थे, और मुझे एहसास हुआ कि नौकरियां मिलेंगी नहीं इनको जब तक इनके पास हुनर ना हो, टेक्निकल एजुकेशन ना हो। तो मैंने शुरू किया था टेक्निकल एजुकेशन के लिए कि एक सेंटर बने कि हमारे नौजवान हुनर सीख सके, लेकिन वो जगह इतनी खूबसूरत थी, मैंने सोचा कि टेक्निकल कॉलेज नहीं या यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। और अल्लाह का शुक्र है आज ये जो नमल यूनिवर्सिटी है, जिधर मैं इसके बाद नमल यूनिवर्सिटी जा रहा हूं, जितना मुझे खुशी नमल यूनिवर्सिटी को बढ़ते देखते हुए होती है, किसी और चीज से इतनी खुशी नहीं होती। और मेरे मियांवाली के नौजवानों, ये चीज याद रखो, कौमें तरक्की करती है तालीम की वजह से, और जो हायर एजुकेशन यानी आला तालीम है, जितनी मुल्क में आला तालीम के सेंटर्स होंगे उतना पाकिस्तान ऊपर जाएगा। तो जो नमल यूनिवर्सिटी और नॉलेज सिटी बनने जा रही है इंशाल्लाह, मुझे बड़ी खुशी और फख्र भी होता है कि वो दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है। हमारे पास फैकल्टी में बाहर से PhDs यहां काम करने के लिए आए हैं, सबने मुझे कहा था कि नहीं बन सकती, कि यहां आपको स्कॉलर्स नहीं मिलेंगे, आपको PhDs नहीं मियांवाली मिलेंगे, वो इधर आएंगे नहीं मियांवाली के वराने में। आज मुझे खुशी यह है कि ये शहर की यूनिवर्सिटीज से ज्यादा PhDs आज नमल यूनिवर्सिटी के अंदर है। तो स्कूलों के ऊपर जोर लगाऊंगा आपके, मियांवाली यूनिवर्सिटी यहां बनेगी, वो भी शुरू हो गई है, वाइस चांसलर भी आ गया है, और इस अस्पताल के अलावा एक स्टेट ऑफ द आर्ट यानी जबरदस्त ऊंदा हॉस्पिटल, वो हमने
जैसे ही हम पहाड़ी से नीचे उतरते हैं इंशाल्लाह उधर वो शुरू होने वाला है, जमीन भी ले ली है। ये सरकारी हॉस्पिटल नहीं होगा, ये एक पाकिस्तानी हैं जो कि मैनचेस्टर में होते हैं, अनिल मुसरत, उन्होंने ख़ास तौर पे वो ये हॉस्पिटल बना रहे हैं और इंशाल्लाह ये एक ऐसा हॉस्पिटल होगा कि आपको यहाँ के लोगों को, उसके बाद ना आपको यहाँ से इस्लामाबाद जाना पड़ेगा ना लाहौर जाना पड़ेगा, आपका इलाज इंशाल्लाह मियांवाली में होगा। उसके बाद मियांवाली, जी जी सुने सुने, अच्छा आप मियांवाली, मैं ये बार बार दोहराऊंगा और हमेशा ये चीज आपके सामने भी रखूंगा, सारे पाकिस्तान में बताऊंगा कि मियांवाली मेरे साथ तब खड़ा हुआ जब पाकिस्तान में और किसी ने मुझे वोट नहीं दी, तब मियांवाली ने दी। और मैं जब मियांवाली में एमएनए बना तो जब मैं जिधर फिरता था मियांवाली में, सारे इलाके में फिरता था, तो लोग मुझे दरख्वास्तें देते थे कि जी यहाँ स्कूल नहीं है, स्कूल है तो टीचर नहीं है, मियांवाली अस्पताल है तो वो डॉक्टर नहीं मिलते, पानी का मसला, रोजगार का मसला, फिर थानों के अंदर मसले कि जी थाने में झूठा केस हो गया, ताकतवर जो मियांवाली में थे वो कमज़ोर के ऊपर जुल्म करते थे, कमज़ोर को इंसाफ नहीं मिलता था। ये मैंने सारा जब एमएनए था, ये मैंने सारे मियांवाली में एक ही चीज़ सुनी, थाना, कचहरी, पटवारी, स्कूल, अस्पताल। तो मैं तब भी, और मैं आपके सामने एक जो चीज़ कहना चाहता हूँ वो ये कि देखें, आज मैं इमरान खान वज़ीरे आज़म है, कल नहीं होगा, तो क्या जब वो नहीं होगा तो मियांवाली के फंड्स ख़त्म हो जाएंगे, स्कीमें ख़त्म हो जाएंगी। लिहाजा मैंने तब फैसला किया कि हमने निज़ाम बदलना है ताकि इमरान खान हो या ना हो, एक निज़ाम ऐसा हो कि वो खुद चलता जाए, वो निज़ाम आपकी मदद करे। तो वो निज़ाम जो अब हम लेके आ रहे हैं वो है बलदियाती निज़ाम। मेरा काम है आपको सिखाना, आपकी तालीम में इजाफा करना, सिर्फ नारे नहीं मारना। और ये याद रखें कि बाहर की दुनिया, जो मुल्क हमारे से आगे चले गए हैं, उनकी एक बहुत बड़ी वजह ज़बरदस्त बलदियाती निज़ाम है। अब बलदियाती निज़ाम कभी भी पाकिस्तान में अच्छा नहीं आया, कई बलदियाती निज़ाम पहले से बेहतर होते थे, लेकिन कभी भी वो निज़ाम नहीं आया जो अब हम पाकिस्तान में, पख्तूनख्वा में और पंजाब में लाने वाले हैं। जो अब हम निज़ाम लेके आ रहे हैं, जरा आप सुने वो क्या है, वो निज़ाम क्या है। वो निज़ाम ऐसा है कि एक सूबे के अंदर फाइनेंस कमीशन बनेगी और फाइनेंस अवार्ड बनेगा। उसका मतलब हर डिस्ट्रिक्ट का पैसा जो सूबे में आएगा वो डिस्ट्रिक्ट में चला जाएगा, और क्योंकि गांव के भी इलेक्शन होंगे तो वो सीधा पैसा सूबे से गांव में चला जाएगा। ये नहीं होगा कि डिस्ट्रिक्ट का नाजम फैसला करे कि जनाब किस यूनियन काउंसिल में उसने पैसा खर्च करना है, किस में नहीं, वो सीधा पैसा डायरेक्टली जाएगा आपके गांव के अंदर। गांव में इलेक्शन होंगे, पार्टी नॉन पार्टी पे होंगे, गांव के लोगों के ऊपर डायरेक्ट पैसा आएगा, गांव के लोग फैसला करेंगे उन्होंने वो पैसा किधर खर्च करना है, अपनी सड़कें ठीक करनी है, वो फैसला करेंगे। और गांव के लोग निगरानी करेंगे अपने प्राइमरी स्कूल्स पे, वो देखेंगे कि स्कूल में टीचर आ रहे हैं या नहीं,
اور وہ جو علاقے کے لوگ ہیں وہ اپنے بی ایچ یو کے دھیان رکھیں گے کہ کیا وہاں ڈاکٹر ہے یا نہیں، کہ تھانہ ٹھیک کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، وہ یہ دیکھیں گے کہ کیا علاقے میں کوئی یہ تو نہیں ہو رہا کہ کوئی طاقتور کمزوروں کے اوپر کسی کی زمین پہ قبضہ کر رہا ہے. تو ایک تو سینٹر سے جائے گا اختیارات صوبے میں، وہ چلے گئے ہیں صوبوں میں سینٹر سے، لیکن صوبوں سے ابھی تک اختیارات نہ نیچے ڈسٹرکٹ پہ گئے ہیں نہ نیچے گاؤں کے لیول پہ گئے ہیں. ہم جو بلدیاتی نظام لے کے آ رہے ہیں وہ نیچے تک، پیسہ اوپر سے نیچے تک گاؤں تک پہنچے گا. یہ کبھی پاکستان میں نہیں ہوا پہلے. تو گاؤں کے لوگوں کو وہ فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے پیسہ کدھر خرچ کرنا ہے. یہ الیکشن ہونے والی ہے انشاءاللہ، ہماری چند مہینوں کے اندر قانون بن چکا ہے. پھر شہروں کا، اب میاں والی شہر ہے، عیسیٰ خیل شہر ہے، پپلان، شہروں کی ڈائریکٹ الیکشن ہوگی، شہر کا ناظم بنے گا. وہ جو ناظم ہوگا وہ اپنی ٹیم بنائے گا، اس ٹیم کے اندر شہر کا سیوریج سسٹم، شہر سے پیسہ کیسے اکٹھا کرنا ہے، وہ سارے اختیارات ادھر چلے جائیں گے جو باقی دنیا کے اندر اس طرح کا نظام چلتا ہے. تو جب تک ہم ایک ایسا نظام نہیں لے کے آئیں گے جس میں لوگوں کے پاس اختیارات چلے جائیں، تب تک یہ ملک ترقی نہیں کرے گا. اب کیا ہوتا رہا ہے، چیف منسٹر آیا لاہور سے، سارا پیسہ لاہور کے اوپر چلا گیا، سارا پنجاب کا جو فنڈ تھا سارے پنجاب کی ڈیولپمنٹ کے لیے وہ لاہور میں چلا گیا. سندھ کے اندر الیکشن ہوا، پارٹی جیتی رورل سندھ سے، شہر کراچی کا پیچھے رہ گیا، کراچی شہر پہ پیسہ ہی نہیں خرچ ہو رہا، شہر بری حال ہے اس کا. لیکن جو ہمارا نظام ہے، شہر کے اپنے الیکشن ہوں گے، شہر کے الیکشن ہوں گے، شہر کا ایک ناظم آئے گا، وہ اپنی ٹیم لے کے آئے گا جس کا کام ہوگا شہر کے مسئلے حل کرنا، جو کہ ساری دنیا میں ہے. لندن کا میئر ہے، نیو یارک کا میئر ہے، ان کے اپنے ناظم ہیں، ان کے اختیارات ہیں. تو یہ کامیاب جو سسٹم باہر ہیں وہ انشاءاللہ ہم پاکستان میں لے کے آ رہے ہیں. اب میں ایک دو اور باتیں کرنا چاہتا ہوں. میاں والی میں باشعور نوجوان ہیں، باشعور باشعور ہوں گے مجھے تو کہنا ہے، کیونکہ آپ نے مجھے پہلی دفعہ الیکٹ کیا تھا، اور تو کسی میں نے پہلے مجھے الیکٹ کیا. تو میرا کام ہے آپ کو اب سمجھانا کہ اب پاکستان کدھر کھڑا ہے، یہ آپ نے سمجھنا ہے آپ نے، کیونکہ ہر قسم کا آپ کو انفارمیشن دیا جا رہا ہے، تباہ ہو گیا پاکستان، برباد ہو گیا، کنٹینر پہ سب چڑھ گئے کہ ملک تباہ ہو گیا. مستثرن اب آپ کو یہ بتانا ہے کہ ملک کدھر تھا، اب کدھر کھڑا ہے، اور انشاءاللہ آگے کدھر جا رہے ہیں. ملک جب ہمیں 2018 کی الیکشن کے بعد جو پاکستان ملا، اس میں دو سب سے بڑے مسئلے تھے. ایک ہوتا ہے فسکل ڈیفیسٹ، ایک ہوتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. اب میں آپ کو اس کا مطلب سمجھاتا ہوں. فسکل ڈیفیسٹ ہوتا ہے کہ جتنی ہم پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، جو ہماری ملک کی آمدنی اور جو ہمارا خرچہ ہوتا ہے، اس میں بہت بڑا خسارہ تھا، تاریخی خسارہ ملا ہماری حکومت کو. کبھی پاکستان میں کسی حکومت کو اتنا بڑا خسارہ نہیں ملا. بجلی میں سب سے بڑا خسارہ ملا، 1250 ارب روپے کا سرکولیٹر گردشی قرضہ جسے کہتے ہیں. یہ جب نون لیگ آئی تھی تو ان کو 450 ارب کا ملا. اور جو گیس تھی، جو کبھی گیس میں خسارہ نہیں ہوا، یہ 154 ارب روپے کا گیس میں خسارہ چھوڑ کے گئے. اور جو دوسرا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، جو سب سے خطرناک ہوتا ہے، یہ سمجھنا ہے آپ نے، یہ کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں نوجوانوں آپ کو پتا ہو اس ملک سے ہوا کیا، ہم کیا کر رہے ہیں اور آگے کیا کس طرف جا رہے ہیں. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا مطلب ہوتا ہے جتنے ڈالر ملک میں آ رہے ہیں اور ملک سے کتنے ڈالر باہر جا رہے ہیں.
اس میں تاریخی خسارہ تھا، 19.5 ارب ڈالر کا خسارہ تھا، یعنی کہ اس ملک سے ڈالر زیادہ باہر جا رہے تھے، ملک میں ڈالر کم آ رہے تھے، ہم جتنی ایکسپورٹ کر رہے تھے وہ کم تھی، جو امپورٹ کر رہے تھے اس سے 3 گنا زیادہ تھی۔ اس سے کیا ہوتا ہے، جب آپ کا ڈالروں میں خسارہ بڑھ جاتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس کا مطلب کہ ہمارا جو روپیہ ہے وہ گرنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ ڈالر کی کمی ہونی شروع ہو جاتی ہے، جب ڈالر کم ہوتا ہے اس کی قیمت اوپر چلی جاتی ہے، اس کا مطلب آپ کا روپیہ گر جاتا ہے، اور روپیہ جب تاریخی خسارہ ہوا تو روپیہ گرنا تھا، کیونکہ روپے کو اوپر رکھنے کے لیے جو ہمارے ڈالر ریزرو میں تھے وہ ہم خرچ مارکیٹ میں پھینک کے روپے کو اوپر رکھ رہے تھے جو پچھلی حکومتیں تھیں، اب جب ہماری باری آئے تو وہ ریزرو ہی ختم ہو گئے، ہمارے پاس ریزرو ہی نہیں تھے روپے کو بچانے کے لیے۔ تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہے آج کہ ہمارا روپیہ صرف 35% گرا۔ یہ ہو سکتا ہے اگر آج 155 کا ڈالر ہے، یہ 300 پہ بھی جا سکتا تھا، 250 پہ جا سکتا تھا، کیونکہ ہمارے پاس تو ڈالر ہی نہیں تھے اس کو روکنے کے لیے۔ تو 35% جب ہمارا روپیہ گرا اس کا کیا مطلب ہوا، جو ہم تیل باہر سے امپورٹ کرتے تھے، جو ہم باہر سے مثلا گھی باہر سے امپورٹ کرتے ہیں ملیشیا سے، جو بھی چیزیں ہم باہر سے امپورٹ کرتے تھے وہ مہنگی ہو گئی۔ تو جب تیل مہنگا ہوا، 40% بجلی تیل سے بنتی ہے وہ مہنگی ہو گئی، جو اب ایل این جی گیس لے کے آتے ہیں وہ مہنگی ہو گئی، اس کی وجہ سے ٹرانسپورٹ مہنگی ہو گئی۔ تو مہنگائی آ گئی، مہنگائی اس لیے نہیں آئی کہ ہم نے کچھ مہنگائی لے کے آئے، مہنگائی اس لیے آئی کہ انہوں نے اتنا بڑا خسارہ چھوڑ کے گئے کہ روپیہ گر گیا، اور جب روپیہ گرا تو ساری چیزیں مہنگی ہو گئیں۔ یہ ہے مہنگائی کی داستان۔ اور اب کیا ہوا ہے، یہ اب آپ کو جو مجھے بڑا فخر ہے اپنی معاشی ٹیم کے اوپر، کہ پچھلے 4 مہینے میں پہلی دفعہ 4 سالوں کے اندر ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، یعنی کہ جو ہمارا خسارہ تھا، اس ملک سے ڈالر زیادہ باہر جا رہے تھے اندر کم آ رہے تھے، یہ 4 سال میں پہلی دفعہ ہمارا پہلی دفعہ ڈالر اب ملک میں زیادہ آ رہے ہیں اور ملک سے باہر کم جا رہا ہے، یعنی کہ خسارہ ختم ہو گیا، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے 4 سال میں۔ اور اس کی وجہ سے روپیہ 4 روپے بڑھ گئے پچھلے چند مہینوں میں، بجائے گرنے کے اوپر چلا گیا، اور ہم کوئی پیسہ نہیں ڈالر نہیں خرچ کر رہے اسے اوپر لانے کے لیے، کیونکہ ہم نے اپنا بجٹ بیلنس کر دیا ہے۔ اور پہلی دفعہ اگر ہمیں جو دوسرا جو ہم ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں اور جو ملک میں خرچہ ہے، یہ بھی پہلی دفعہ ہوا ہے بڑی سالوں کے بعد کہ آج وہ بھی ہم نے خسارہ کم کر دیا ہے۔ اور اگر ہمیں نہ دینا پڑے جو سود انہوں نے لیے ہوئے تھے قرضے، اس کے اوپر سود نہ دینا پڑے، کیونکہ ہمیں سود دینا پڑ رہا ہے جو قرضے انہوں نے لیے تھے، تو آج ہم سرپلس میں چلے گئے ہیں، جو پرائمری اسے کہتے ہیں پرائمری سرپلس۔ یہ میں آپ کو ساروں کو ایجوکیٹ کر رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں معاشیت۔ اور اس کی وجہ سے بزنس میں کانفیڈنس آ گیا ہے، اسٹاک مارکیٹ اوپر چلے گئی ہے، باہر سے سرمایہ کاری شروع ہو گئی ہے، ان شارٹ پاکستان صحیح راستے پہ لگ گیا ہے، ہمارا راستہ ٹھیک ہو گیا ہے۔ اور اس لیے وہ جو کنٹینر پہ وہ جو بے روزگار سیاستدان آئے تھے، وہ اس لیے نہیں آئے تھے کہ انہوں نے کہا پاکستان کی معیشت کے حال برے ہیں، ان کو یہ فکر نہیں تھی، ان کو فکر یہ تھی کہ پاکستان کی معیشت ٹھیک ہونے جا رہی ہے، کہ ان کی سیاسی دکانیں بند ہونے لگی ہیں۔ اور دوسری چیز، ان کو خطرہ یہ ہے کہ
मुझे तो पता है वो जो कंटेनर पे खड़े थे, क्योंकि मेरे पास तो सारी अब आ गई है, एफआईए से मुझे सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। उन सबको पता है कि जो उन्होंने इस मुल्क के साथ किया है, आगे उन्होंने कहीं ना कहीं जाके फंस जाना है। हमने उनका पैसा निकालना है वापस, और इसलिए ये सब इकट्ठे थे। देखिए नौजवानों, एक चीज याद रखो, तब्दीली क्यों नहीं आती, क्यों और हुकूमतें तब्दीली नहीं लेके आती? क्योंकि जब एक सिस्टम करप्ट हो जाता है, वहां माफिया बैठ जाते हैं। हर इदारे में माफिया बैठ जाते हैं, हर इदारे में वो माफिया बैठ जाते हैं जो पैसे बनाने शुरू कर देता है। जब आप तब्दीली लेके आते हैं तो ये माफिया आपके सामने खड़े हो जाते हैं, और जब ये खड़े होते हैं तो आज तक जो हुक्मरान आता है वो कहते हैं अच्छा जी मैं अपनी कुर्सी बचाऊं, मैं क्यों इनका मुकाबला करूं, उनसे मुकबुका कर लेता है। इसलिए तब्दीली नहीं आती। जनरल मुशर्रफ ने जब इंतसाब शुरू किया तो हम सारे जनरल मुशर्रफ के साथ थे, लेकिन उसको फिर बताया गया कि जनरल साहब ये आप क्या कर रहे हैं, ये तो आपकी कुर्सी खतरे में आ जाएगी, सब इकट्ठे हो जाएंगे। तो जनरल मुशर्रफ ने इत्तेसाब खत्म किया और शरीफ खानदान को एनआरओ दे के बाहर भेज दिया। और फिर जब कुर्सी को मुश्किल पड़ी तो आसिफ जरदारी से एनआरओ करके उसको वापस लिया अपनी कुर्सी बचाने के लिए। अब फर्क मैं आपको बताता हूं क्या है। इमरान खान अपनी कुर्सी बचाने के लिए नहीं आया, इमरान खान इस मुल्क में तब्दीली लाने के लिए आया। और तब्दीली तब आएगी जब इन माफिया को शिकस्त देंगे। नौजवानों ये याद रखना कि अगर ये माफिया रह गए इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। ये वो लोग हैं जिनके पैसे और दौलत बाहर पड़ी हुई है, इस मुल्क से पैसा चोरी, रुपया एक वजह से तो ये गिरता इसलिए है कि हम एक्सपोर्ट कम करते हैं, इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, लेकिन दूसरी वजह से क्यों रुपया गिरता है? मनी लॉन्ड्रिंग से। जब यहां से पैसा चुरा के हुंडी और हवाले से डॉलर लेके मुख पैसा बाहर भेज देते हैं। ये सब इनके पास पैसा किधर से आया? ये शरीफ खानदान के सारे जो बच्चे हैं, 8 अरब रुपए के घर में रहता हसन शरीफ, किधर से पैसा आया? जो मरियम के नाम पे मेफेयर के फ्लैट हैं वो अरबों रुपए के हैं, किधर से पैसा आया? वो हुसैन शरीफ, वो अरबों की प्रॉपर्टीज है उनकी, किधर से आया पैसा? वो इसहाक डार जिसके वालिद साइकिलों की दुकान थी, वो आज अरबपति, उसके बेटे अरबपति है। क्यों भागे हुए हैं? क्यों मुल्क से बाहर भागे हुए हैं? क्यों नहीं आके जवाब देते? मेरे से इन्होंने जब इंतकामी कार्रवाई करके पूछा कि जी आपका ये जो आपका बनीगाल का घर किधर से आया, और फिर आपका लंदन में फ्लैट था वो आपने किधर से लिया, 10 महीने मैंने अदालत में 60 दस्तावेजात 60 उनके सामने मैंने दिए, जिसमें मैंने बताया कब किस पैसे से वो लंदन का फ्लैट 40 साल पहले किस पैसे से खरीदा, कितने का खरीदा, उसकी मैंने डॉक्यूमेंट्स दिखाई, वो बेचा कितने का, मनी ट्रेल बताई कि वो पैसा पाकिस्तान कैसे आया। इन्होंने अभी तक एक जो भी ये दस्तावेज सामने रखते हैं वो जाली निकलती है, क्योंकि उन्होंने चोरी करके पैसा बाहर लेके गए हैं। तो ये याद रखें मेरे पाकिस्तानियों, मैं और अपने नौजवानों को खास तौर पे आज कहना चाहता हूं, ये जो माफिया है, ये जो आज सारा इकट्ठा है माफिया, ये जो सारे वो फजलुर्रहमान कहते हैं कि क्यों वो लोग बेचारे, वो हमारे बच्चे हैं, मदरसों के बच्चे, ये हमारे बच्चे हैं और ये हमारी जिम्मेदारी। और इंशाल्लाह ये पहली हुकूमत है जो मदरसों के बच्चों को अपना बना रही है, इनकी इंशाल्लाह मदद करेंगे, इनकी तालीम का निजाम बेहतर करेंगे। उनको जो अपने आप को एक आलिम के मौलाना कहता है, झूठ बोल के बुलवाया गया इस्लामाबाद कि जी इमरान खान
इसराइल का झंडा गाड़ने लगा है। मैम फजल रहमान से पूछ दो, तुम्हारे होते हुए यहूदियों को साजिश करने की जरूरत क्या पड़ी है? आप ही काफी हैं इस मुल्क के लिए साजिश करने के लिए। फिर कहता है जी खत्म नबूवत, कहता कि जी ये कोई कादिया नहीं है। फिर कहता कि फिर कुछ और इसने कहा कि ये नबूस रसालत, उसके ऊपर उन्होंने इकट्ठा कर दिया, झूठ बोल के लोगों को लेके आया। उधर से जो बाकी बेरोजगार थे, पानी आता है वो भी आ गया। दूसरा शबाज शरीफ जो झूठा मंडेला वो भी पहुंच गया। और इन्होंने वहां खड़े होके वो ऐसी तकरीरें की, दिल से तकरीरें निकल रही थी, लेकिन उसका सिर्फ एक मफहूम था कि किसी तरह जिस तरह हम मुक मुका करके सारे मिलके मुल्क को लूटते थे, फिर वो वक्त आ जाए, इमरान खान तुम अपनी कुर्सी आराम से संभालो, 5 साल हुकूमत करो, बस ये हमारे ऊपर से किसी तरह ये जो केसेस हमारे ऊपर, और केसेस इनके जमाने के बने हुए हैं, ये भी सुन लो, ये केसेस हमने नहीं बनाए, ये केसेस भी इनके जमाने में है, किसी तरह हम बच जाएं। मैं जब तक मेरे में अल्लाह ने जिंदगी दी है, कभी मैं इतनी बड़ी गद्दारी करूंगा कि अगर मैं इनको किसी सूरत छूट दे दूं, इनसे डील कर दूं, इससे बड़ी इस मुल्क से कभी गद्दारी नहीं होगी, कोई भी गद्दारी नहीं करेगा। और इसलिए नौजवानों, आपने मेरी टीम बनना है, आपने मेरी टीम बनना है, और मैं आपको इन डाकुओं का मुकाबला करके दिखाऊंगा। आखिर में सुनो जरा, अच्छा जी, बस, जब मैंने नवाज शरीफ को जहाज पे चढ़ते देखा, सुनो, जब मैंने नवाज शरीफ को जहाज पे चढ़ते देखा तो मैंने वो डॉक्टर्स की रिपोर्ट अपने सामने रख ली। अब मैंने जब डॉक्टर की रिपोर्ट अपने सामने थी तो उसमें तो कहा था कि मरीज का इतना बुरा हाल है कि किसी वक्त मर सकता है। रिपोर्ट ने कुछ बीमारियां, 15 तो बीमारियां बता दी, हार्ट भी बुरा है, किडनी भी बुरी है, डायबिटीज भी है, पता नहीं और भी क्या है, और फिर प्लेटलेट्स, ये भी हमने नई चीज सीखी थी, प्लेटलेट्स भी बुरे हैं। तो हमें तो ये बताया गया था कि इसका तो इलाज पाकिस्तान हो ही नहीं सकता, और अगर ये बाहर ना गया तो किसी टाइम पे जा सकता है। तो अब मैं ये सोच रहा हूं कि क्या वो जहाज देके मरीज एकदम ठीक हो गया, या वो लंदन की हवा लगी तो ठीक हो गया, मुझे अभी तक पता नहीं है। इसकी तहकीकात करने की जरूरत है कि एकदम मैं फिर से गौर से देखूं, हार्ट डिजीज, हार्ट भी ठीक नहीं है, किडनी भी ठीक नहीं है, शुगर भी है, ऊपर से प्लेटलेट्स भी डाउन हुई हुई हैं, और मैं देख रहा हूं कि वो ऐसे सीढ़ियां, मैंने कहा अल्लाह तेरी बड़ी शान है। और वो जो जहाज था, शायद जहाज देख के भी इंसान ठीक हो गया, वो ऐसा जबरदस्त जहाज था, आम आदमी दुनिया से जाते। मियांवाली, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये हम अपने मुल्क को जैसे जैसे ये सही रास्ते पे लगा है, जैसे जैसे इस मुल्क में, मुल्क के अंदर और मुल्क से बाहर सरमायाकारी होनी शुरू हो गई है, जैसे जैसे हमारी दौलत बढ़ती जाएगी, सबसे पहले कोशिश ये होगी कि हम अपने कमजोर तबके को ऊपर उठाएं। कोशिश होगी कि ये जो, और ये महंगाई के ऊपर इंशाल्लाह आपको मैं खुद काबू पा के दिखाऊंगा। तो जैसे जैसे ये मुल्क में खुशहाली आती रहेगी, सबसे ज्यादा पैसा हमने अपने कमजोर तबके पे खर्च करना है, हमने अपने कमजोर इलाकों पे खर्च करना है। हमने मियांवाली, डीजी खान और चौंसा, ये सारे जो इलाके हैं,
उधर जो डी आई खान जो इलाके पीछे रह गए हैं इंशाल्लाह उनको हम उठाने के लिए जैसे जैसे पैसा आएगा इंशाल्लाह हम अपने कमज़ोर इलाकों को उठाएंगे और अपने कमज़ोर लोगों को उठाएंगे। लेकिन मियाँ वाली मैं आखिर में आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जब कोई भी मेरे साथ नहीं था आप मेरे साथ थे। पाकिस्तान जिंदाबाद।